Good morning, dear student. Welcome to EVS class. Today we will start a new topic, the Northern Plain. When river rushes down the slope of mountain, they carry a lot of rocks with them. जब जो river जो होती हैं mountain से जब गिरती हैं तेजी से तो वो अपने साथ rock लेते हुए जाती हैं. These rocks tumble around and break into small pieces that we call soil. और यही जो रॉक होते हैं टुकड़ों में हो जाते हैं और वो सॉइल का रूप ले लेते हैं. हैज रिवर्स रीच फ्लैटर लैंड और प्लेन दे स्लो डाउन एंड द सॉइल सेटल डाउन. जब रिवर प्लेन लैंड में रीच होती है तब स्लो डाउन होकर जो सॉइल है वो रुक जाती है. When these rivers flood, they deposit the soil on the land. जब ये river flood होती हैं तो ये सारा soil वहाँ की ज़मीन पर इकट्ठा हो जाती हैं. The soil deposit over plain by river is called alluvium or alluvial soil. It is very fertile. ये जो soil जो deposit हो जाती है plain में through आपके river से, इन्हीं को हम alluvial soil कहते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ होती है. The northern plain lies south of the Himalaya. This alluvial plain stretch from Punjab and Haryana in the west to Assam in the east. जो आपका northern plain है कहाँ पे है? South of the Himalaya में है. और जो ये alluvial plain है ये आपका stretch होकर के पंजाब हरियाणा और west में Assam in the east में है. Three great rivers and their tributaries have deposited alluvium over these plain. These are the Indus, Ganga and Brahmaputra. A tributary is a river that flows into a large river. यहाँ पे जो tributary का मतलब है when small river join the large river. जब एक छोटी सी नदी join करती है large river को उसी को हम tributaries कहते हैं. यहाँ पे three tributaries of the Indus के हम जानेंगे. द रवि बीस एंड सतलुज ये कहाँ फ्लो करते हैं? प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में. अब हम गंगा की टेरिब्यूटरीज को जानेंगे लाइक द यमुना गंगारा एंड कोसी फ्लो थ्रू द प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल. कहाँ फ्लो करती हैं? प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल में. द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज थ्रू द प्लेन ऑफ असम. जो ब्रह्मपुत्रा है ये आपका फ्लो करता है असम में. इनकी जो रिवर है असम में. द गंगा फ्लोज इन टू द बे ऑफ बंगाल. जो गंगा है वो कहाँ फ्लो करती हैं? बे ऑफ बंगाल में. अ रिवर रियली स्लो डाउन हैज इट रिचेज द सी बिकॉज द लैंड बिकम फ्लैट. जो रिवर है काफ़ी स्लो डाउन हो जाती है जब वो सी के पास पहुँचती है क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है काफ़ी फ्लैट हो जाता है. हैज इट स्लो डाउन इट इज़ अनएबल टू कैरी सॉइल. जब ये स्लो डाउन हो जाती है रिवर तो ये उतना कैरी नहीं कर पाती है वहाँ की सॉइल को विथ इट अपने साथ. सो द सॉइल piles up and the river break up into the smaller stream to the flow around the soil deposit. यहाँ पे जो soil up है मतलब जो इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है आपकी river break हो जाती है smaller stream में to flow around the soil deposit ताकि वहाँ से वो flow होकर के चले जाए soil deposit में. Thus small stream that the river break up into the before reaching the sea are called distributaries. Distributaries के यहाँ का मतलब है when large river break into small river. जब आपकी large river break होती है small river में उनको हम बोलते हैं distributaries. The triangular region of land around the distributary near the mouth of a river is called a डेल्टा. एक ट्रायंगुलर रीजन ऑफ लैंड का बनता है यही डिस्ट्रीब्यूटरी के पास इसी को हम बोलते हैं डेल्टा. द डेल्टा ऑफ द गंगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. जो डेल्टा ऑफ गंगा है वो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है. इसको हम सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं. अब वहाँ के हम जानेंगे लाइफ ऑफ द पीपल. द फर्टिलिटी
Northern plain are ideal for the growth of crops like paddy and wheat. वहाँ पे काफ़ी पैडी और वीट काफ़ी होता है. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हीयर. यहाँ पे जो वहाँ का जो ऑक्यूपेशन है लोगों का वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर है. द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द एबिलिटी ऑफ वाटर हैव ड्रॉन पीपल टू दिस एरिया फॉर सेंचुरी. जो यहाँ की उपजाऊ जो ज़मीन है, सॉइल है और एबिलिटी ऑफ वाटर है, काफ़ी सालों से आ रही है इस जगह पे. सो दिस रीज़न इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैज़ मैनी ग्रेट सिटी. ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ पे काफ़ी काफ़ी ग्रेट अच्छी सिटीज़ भी हैं. द फ्लैट लैंड मेक कंस्ट्रक्शन ईजी. जो यहाँ पे फ्लैट लैंड है इसके वजह से कंस्ट्रक्शन जल्दी हो सकते हैं. सो द नॉर्दर्न प्लेन हैव मोर रोड, रेलवे एंड इंडस्ट्रीज देन द हिली रीजन. इसलिए नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादातर रोड होते हैं, रेलवे होते हैं, इंडस्ट्री होते हैं कंपेयर टू हिली रीजन से. डैम बिल्ट अक्रॉस द रिवर प्रोवाइड पावर टू इंडस्ट्री. जो डैम रिवर के पास बनते हैं वो पावर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इंडस्ट्री को एंड वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड. जो वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड है उनको वहाँ से डैम से वाटर भी मिलता है. द डेसर्ट वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द थार डेसर्ट. वेस्ट जो नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे आपका थार डेसर्ट है. दिस एरिया गेट्स हार्डली एनी रेनफॉल. यहाँ पे ज़्यादातर रेनफॉल नहीं होती है. द डेसर्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कांच टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा. यह आपका डेसर्ट कहाँ से स्ट्रेच करता है, गल्फ ऑफ कांच कहाँ से बॉर्डर ऑफ हरियाणा तक. अ गल्फ इज अ लार्ज एरिया ऑफ सी. ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है सी का जो सराउंडेड बाय लैंड है, उनको हम गल्फ कहते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो इन द डेसर्ट. यहाँ पे काफ़ी हवाएं चलती हैं डेसर्ट में जिसमें वो कैरी करते हैं सैंड फ्रॉम वन एरिया एंड पिलिंग इट अप इन अनदर एरिया. एक जगह से सैंड वहाँ हवा के से उड़ करके दूसरी जगह जाके रुक जाती है. दिस गिव राइज टू हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड डन. ये क्या करती है, ये एक हिल्स ऑफ सैंड बनाती है जिसको हम डन्स बोलते हैं. इन सम प्लेस वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड कम्स अप टू द सर्फेस एंड फॉर्म्स अ पुल. यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होता है जहाँ से यहाँ पे जो पानी है अंडरग्राउंड से आता है फिर वो एक पोल बनाता है. द वाटर हेल्प प्लांट ग्रो इन द मिडल ऑफ द डेसर्ट. यही पानी पेड़ पौधों को वहाँ उगने में मदद करता है. सच अ ग्रीन स्पॉट इन द मिडल ऑफ अ डेसर्ट इज कॉल्ड एन ऑसिस. जो एक ग्रीन स्पॉट बनता है डेसर्ट के बीच में उसी को हम ऑसिस बोलते हैं. मानवर इन राजस्थान इज एन ऑसिस. यहाँ पे ग्रीन स्पॉट जो बनता है उन्हें को हम ऑसिस बोलते हैं और राजस्थान में एक मानवर करके एक प्लेस है इसको हम ऑसिस बोलते हैं. अब वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे. लाइफ ऑफ द पीपल इन दिस रीजन लीड अ हार्ड लाइफ. वहाँ पे काफ़ी हार्ड लाइफ लोगों में है. द मेन प्रॉब्लम इन द डेसर्ट इज़ द लैक ऑफ वाटर. वहाँ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेसर्ट में कि वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी है. जहाँ पे क्रॉप नहीं हो पाते हैं, क्रॉप डू नॉट ग्रो, पीपल कैन नॉट कीप कैटल है तो वहाँ पे कैटल भी नहीं रख पाते हैं. द कैमल इज़ अ बिग हेल्प. वहाँ पे सारा जो अगर कोई मदद है सबसे बड़ी तो वो एक कैमल से उन लोग लेते हैं. इट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड फॉर डूइंग फार्म वर्क. वो ज़्यादातर कैमल की मदद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आने जाने के लिए यूज़ करते हैं या तो फिर अपने फार्म वर्क से यूज़ करते हैं. वेर एवर देर आर फार्म्स इट कैन डू विथआउट वाटर. इट कैन डू विथआउट वाटर फॉर डेज. ये कई दिनों बिना पानी के भी काम कर सकते हैं. इट्स पैडेड फीट डू नॉट सिंक इन द सैंड. इनकी जो पैडेड फीट होती हैं तो ये ज़्यादा धंसती नहीं है सैंड में. इट्स टफ लिप अलाउ इट टू ईट द थ्रोनी श्रब्स ऑफ दिस डेसर्ट. जो वहाँ के जो थ्रोनी श्रब्स हैं ये और इनके जो टफ लीव्स जो होते हैं
वो खाने में मदद करते हैं। जो भी थ्रोनी श्रब्स है, जो भी कांटे के पेड़ है, वो सारे वो खा सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट इज़ टू प्रोवाइड वाटर। अगर हम पहला स्टेप ले कि ताकि वहाँ की इम्प्रूव कर सके लोगों की ज़िंदगी, तो वहाँ सबसे पहले पानी की कमी को पूरा करें। दिस इज़ वॉट द इंदिरा गांधी नहर हैज़ डन फॉर द पीपल ऑफ सम एरिया ऑफ राजस्थान। जो इंदिरा गांधी नहर है, ये वहाँ पे पानी प्रोवाइड करते हैं कुछ कुछ एरिया में राजस्थान में। दिस कनाल ब्रिंग वाटर टू फार्म्स एंड टाउन। ये जो कनाल है, ये आपका वहाँ के लोगों को पानी देता है ताकि वो फार्म कर सके, और टाउन्स में भी प्रोवाइड करते हैं। विथ बेटर सप्लाई ऑफ वाटर फार्मर कैन ग्रो मोर क्रॉप्स। अगर पानी की अच्छी सप्लाई होगी वहाँ पे, तो फार्मर जो है कई खेती बाड़ी वहाँ पे कर सकते हैं।